कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है नवरात्र का लास्ट दिन है, नवमी है और मेरी शक्ल देखकर कर्फ्यू हो रही है। तो अभी मैंने जल्दी जल्दी से काम निपटाए छोटे मोटे, ये गए हैं नहाने और मैं भी जा रही हूँ तैयारी करने, क्योंकि आज नवमी है तो पूजा भी करना है। और अभी कुछ सामान भी लेने जाएंगे क्योंकि कन्याओं को कुछ बांटने के लिए भी मुझे सामान मंगाना है। तो चलिए फटाफट तैयारी करते हैं। आप भी कन्या हो? ठीक है, आप कन्या नहीं हो बेटा, आप लड़के हो। तो फ्रेंड्स, ये कपड़े सारे सूख गए तो मैं इनको उठा के रख दे रही हूँ। और ये मैं जो दिखा रही थी, ये मैं आयरन के लिए डेली यूज़ के लिए लेके आई हूँ। ऐसे मैं इसके लिए 3-4 जोड़ी लेके आई हूँ क्योंकि इसके डेली वाले सारे ख़राब हो गए थे। तो रिलायंस ट्रेंड में डेली के हिसाब से काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो अभी मैंने सब तय करके रखे हैं। और ये देखिए, किचन के कपड़े भी सूख गए थे तो मैंने इनको भी उठा के रखा है। इनको मैंने रात में ही धो के डाल दिया था। और ये छोटे छोटे ना और सिकुड़ जाते हैं, किचन के कपड़े जो लेके आओ ना। और उसके बाद में एक आध बर्तन रह गए थे तो जो मैं साफ़ नहीं कर पाई थी, तो मैं इनको भी तुरंत ही तुरंत साफ़ कर देती हूँ। दूध वगैरह मैंने सब गर्म करके रख दिया था। किचन वगैरह भी साफ़ हो गई थी, लेकिन एक आध बर्तन जो लास्ट में रह जाते हैं फिर हिम्मत नहीं पड़ती उनको साफ़ करने को, लगता है बाद ही में कर देंगे, बाकी सारा काम हो गया है। बीच वाला तो कोई नहीं, बीच में तो ये पार्टीशन है, मतलब मेरी तरफ भी। ऊपर देखना, दिल दिल गया अभी को साथ, यही है ना? देखो चूहों तो नहीं काटे हैं, बाल्टी से निकलो है, छोटे छोटे हैं, सही है, यही थे। हाँ ठीक है, दो पैकेट कर लेना, दो, दोनों में मतलब एक एक को दो आ जाएगा। All right, तो यहाँ पे हमारे आ चुके हैं कवर प्रसाद बांटने के लिए। एंड सबसे पहले तो आप सभी गुड मॉर्निंग, एंड क्या बोलते हैं कि आप कौन सा दिन, रामनवमी की और नौ दुर्गों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। फ्रेंड्स, आज के टाइम पे हमारी लाइफ स्टाइल, खाना पीना इतना चेंज हो गया और साथ में पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से हेयर फॉल जो है हमारी एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। जिससे पूछो वही ये कहता है कि हमारे हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हमारे हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो हेयर फॉल से बचने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज की जाए? जब आपके हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है तब भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। तब मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, ये है सेसा आयुर्वेदिक हेयर ऑयल जो कि बहुत अच्छा है। तो ये आपके बाल जो गिर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है उसको कंट्रोल करता है और नए हेयर्स की ग्रोथ बढ़ाता है। तो ये सेसा आयुर्वेदिक एंटी हेयर फॉल ऑयल है, ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसमें 18 मेडिकल हर्ब्स और साथ में 5 ऑयल्स को मिल के साथ में 22 आवर्स को उसमें बॉयल करके ऐड किया गया है, जो कि एक पुरानी चीर पाक विधि है। इसमें किसी भी तरह का मिनरल ऑयल का यूज़ नहीं किया गया। अब आप सोच रहे होंगे चीर पाक विधि क्या है? तो चीर पाक विधि में चीर का मतलब है मिल्क, पाक का मतलब है बॉयल करना, और विधि तो आप जानते ही हैं। इसमें 18 मेडिकल हर्ब्स हैं जो कि काओ मिल्क के साथ में जिनको बॉयल किया गया है। ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और इसके साथ में स्कैल्प के जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उनसे प्रिवेंट करता है। इसमें भृंगराज, इसमें होती है एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी जो हेयर फॉल को रिड्यूस करता है और डैमेज हेयर को रिपेयर करता है और बालों को ग्रे होने से बचाता है। इसमें त्रिफला है जो कि एक नेचुरल एंटी माइक्रोबल हेयर टॉनिक है और स्कैल्प को नरिश करता है, बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इसमें है गोधुमा जो कि हेयर फॉल से प्रिवेंट करता है, बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है और बालों को थिन होने से भी प्रोटेक्ट करता है। इसमें आपको ये एप्लीकेटर मिल जाएगा बॉटल के साथ में, जिससे कि आप अच्छे से इसको अपने हेयर्स में, स्कैल्प में अप्लाई कर सकते हो। इसको आप डायरेक्ट अपने स्कैल्प में अप्लाई कर सकते हो और हेयर लेंथ पे भी, और अच्छे से 5 से 7 मिनट तक अपने हेयर में इसे लगा के मसाज कर लें। ओवरनाइट के लिए अपने बालों को ऐसे ही छोड़ दें, फिर दूसरे दिन आप शैम्पू कर लें। तो कल रामनवमी है तो कल मुझे शैम्पू करना ही है, तो आज मैं इसको लगा के कल तक के लिए छोड़ दूंगी। और आप 1 घंटे पहले भी अपने शैम्पू करने से पहले इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद शैम्पू कर सकते हैं। ये आपको 30 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml की बोतल में भी मिल जाएगा। मैंने सेसा आयुर्वेदिक एंटी हेयर फॉल ऑयल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं और अपने बालों की इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं।
तो बस मैं भी नहावा के आ गई हूँ किचन में सीधे। अभी मैंने क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश भी करना था, फिर जल्दी जल्दी मैंने बाल सुखाया, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में काम करने के लिए। तो चने मैंने बॉईल कर लिए थे क्योंकि प्रसाद के लिए मुझे चने बनाना है, तो बस यहाँ पर बॉईल चने रखे हैं, उनको मैं फटाफट से तल देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई निकाल के रख दी है सूजी बनाने के लिए, सूजी का हलवा बनाने के लिए। और यहाँ पर अगर कन्याओं को भोजन कराते हैं तो वो मीठा हलवा है या खीर है या पूड़ी है, सब्जी, ऐसी चीज़ें खाती नहीं है। मैंने एक आध बार शुरू में यहाँ के ट्राई किया था तो बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया था। मैंने खूब दूध की खीर बनाई थी कुम्भेवा डाल के, लेकिन उनको पसंद नहीं आई थी क्योंकि यहाँ पे नमकीन चावल या अलग खाना होता है जो कि बच्चों को पसंद आता है। तो वैसे भी इस बात तो मैं कर नहीं पाती अच्छे से, तो मैंने बोल दिया था इनसे कि मार्केट से रेडीमेड चीज़ें ले आओ और मैं प्रसाद के लिए बना लेती हूँ। बाकी जैसे कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, गर्मी का टाइम बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है इधर पर, और चीज़ें हैं। तो ये जब तक ये सारा सामान ले आएंगे तब तक मैं प्रसाद तैयार कर दूंगी। तो यहाँ पर एक तरफ चने हो रहे थे और मैंने ये दिखा रही थी, मैंने घी और ये सब जो चीनी वगैरह है सारे नए पैकेट खोले हैं प्रसाद के, जो डेली यूज़ होते हैं उनको मैंने नहीं यूज़ किया है। पहले तो मैं पूजा वगैरह के लिए अलग से भर के रख लिया करती थी, चीनी है, चाय पत्ती है या घी वगैरह, लेकिन अभी मैं व्रत वगैरह रखती नहीं हूँ तो मैंने अलग से ऐसा कुछ भर के रखा नहीं है, तो मैंने नए पैकेट से ही खोल के डाल दिया है। तो बस एक तरफ चने हो गए, एक तरफ हलवा हो रहा है और यहाँ पर पूड़ियों के लिए मैं आटा लगा ले रही हूँ, तो इसी में से दिन के लिए पूड़ी बन जाएंगी और इसी में से जो अठवाई बनानी है वो। तो ये लिया है सारा सामान, ये देखिए। और मैं भी जल्दी जल्दी किचन में लग गई थी, मैंने बिंदी और ये कुछ भी थोड़ा सिंगार नहीं किया, नवरात्रा सिंगार करना चाहिए, ऐसे ही जाके जल्दी से किचन में पहुंच गई थी। तो अभी मुझे खोल के देखना होगा क्या क्या सामान लेके आए, इसमें पूजा का सामान भी लेके आए हैं और उसके बाद जो कन्याओं को बांटने के लिए फल है, चॉकलेट है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सारी चीज़ें भी लेके आए हैं। तो पहले हम पूजा कर लेंगे, ये बोल आए हैं जो वॉचमैन भैया, उनसे बोल दिया है कि कन्याओं को लेके आ जाए और उसके बाद मंदिर वगैरह लगाऊँगी मैं, उसके बाद पूजा करेंगे हम। तो ये सारा सामान निकाल निकाल के रख दे रहे हैं और ये मेरे पास पैकेट्स भी रखे थे पैक करने के लिए पिछली बार के, तो ये मैंने ऊपर उठा के रख दिए थे तो ये भी मैंने इनसे निकलवा दिए हैं। तो ये देखिए सेब है, केला है, चॉकलेट्स हैं और सूजी भी है, और ले आए थे वैसे सूजी तो मैंने बना ली है, इनको लगा हुआ शायद ना हो। और ये देखिए अयान भी जल्दी जल्दी लगाए, इसको घर पर पूजा वगैरह जिस दिन ऐसा होता है इसको बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो जब तक ये लोग सामान वगैरह निकाल लें तब तक लाओ मैं अठवाई सेक लेती हूँ चढ़ाने बस की। और ये मैं बना रही हूँ शुद्ध घी से, उसके बाद में जो मैं पूड़ी बनाऊँगी उनको मैं बना लूँगी ऑयल से। तो अभी क्योंकि इनके टिफ़िन के लिए भी खाना बनाना है क्योंकि यहाँ पर रामनवमी की छुट्टी नहीं है, तो जिसकी वजह से ये सारा काम निपट जाए उसके बाद लेट चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं पहले भोग की थाली लगा दे रही हूँ, साथ में मैंने एक कुकर में आलू भी चढ़ा दिए सब्जी के लिए क्योंकि इन्हें पूरी सब्जी चाहिए, क्योंकि अभी तो मैंने मीठा ही प्रसाद बनाया है। तो यहाँ पर मैंने चढ़ाने बस की बना ली अठवाई और ये सब चना और हलवा। तो चलिए इसको मंदिर में ले चलते हैं, उसके बाद जैसे जैसे कन्या आती जाएंगी तो मैं उनको खिला दूंगी। वैसे मैंने इनसे कह दिया था कि जल्दी आ जाए कन्या क्योंकि उनको भी स्कूल जाना होगा। अयान कहे तुलसी ले तोड़ लो जल्दी, 4-5 पत्ती बस। हाँ गुड,
तो ये देखिए सारा सामान, पान, मैंने कहा था थोड़े से पान ले आने, बहुत सारे पान ले आए पूरी एक गड्डी भर के, और ये सब चीज़ें। तो चलिए माता का दरबार सजा देते हैं अच्छे से। और वैसे तो मैं परिवा अष्टमी व्रत रखती थी तो बहुत ही विधि विधान से करती थी, लेकिन इस बार मैं परिवा को कर नहीं पाई थी, शायद मैं हॉस्पिटल चली गई थी उस दिन, स्कैन वगैरह होना था, ये सारी चीज़ें, तो हो नहीं पाया था, ऐसी नॉर्मल पूजा हो गई थी। तो मैंने सोच रखा था कोई बात नहीं, मैं नौमी को अच्छे से कर दूंगी, अगर परिवार को नहीं हो पाया है कोई बात नहीं, माता सब जानती हैं, और इस बार अगर माता की इच्छा रही तो हमारे घर भी कोई कन्या आ ही जाएगी, तो एक और ऐड हो जाया करेगी, तो इसीलिए तो मैंने कहा सोचा था कि कोई बात नहीं नौमी को ही हम कर लेंगे। तो ये फूल माला मैंने सब निकाले हैं अभी, और ये कान्हा जी के लिए बड़ा माला भी ले आए हैं, देखिए बड़ा सा माला है। और आप लोग कहते हैं कि दी जब पूजा में बैठा करिए तो यहाँ पे चौकी वगैरह कुछ लगा के बैठा करो, तो चौकी मेरे पास है नहीं है, जब कभी जाते याद ही नहीं रहता कहाँ चौकी वौकी मिलती है, तो ऐसे ही काम चलता जा रहा है, अब तो क्या है चल ही जाएगा आगे तक भी। और आयान देखिए कैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाइन से निकाल के रख गए हैं सारी चीज़ें। और बस यहाँ पर मैं लगा रही थी सामान, मैंने कहा मैं सब कुछ लगा दे रही हूँ, सब कुछ जो जो चीज़ें, उसके बाद में पूजा हवन जो है ये आराम से कर लेंगे। मैंने इन लोगों से ही मंगाती जा रही हूँ, एक बार बैठ गई हूँ क्योंकि बार बार मुझे यहाँ से उठ के जाने में दिक्कत होती है, और आज मैंने पूजा के लिए साड़ी भी पहनी थी तो भी फंसने वसने का मुझे डर लगता है बार बार से यहाँ उठ के जाओ, तो मैंने सारी चीज़ें एक ही जगह इकट्ठी कर ली हैं, और जो ज़रूरत होती तो ले। आयान भी बहुत हेल्प करता है इस टाइम पे, ऐसे जो कह दो मना नहीं करेगा, ले आएगा उठा के चुपचाप। तो अभी मैंने माता को चुन्नी उड़ाई है, तो यहाँ पर पान, सुपारी, नारियल, इलायची, लौंग सब कुछ मैंने अच्छे से चढ़ा दिया है, पूरा दरबार साफ कर दिया है माता का। अब ये आके करेंगे पूजा हवन वगैरह के लिए, मैं कंडी वगैरह रखाऊंगी और उसके बाद में अब कन्याओं को भोजन कराएंगे। तो इस वीडियो को अभी मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, और जय बांदा दी, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।